एवरीवन, वेलकम टू द कैमोफिलिक एकेडमी। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मतलब अब रिवीजन चल रहा होगा, प्रिपरेशन तो हो गई सबकी लगभग, टेस्ट वेस्ट भी जिनको जितने अटेम्प्ट जिसको जितने अटेम्प्ट करने थे उसने कर लिए होंगे। अब देखो ये लास्ट टाइम है आपको, अब यहाँ पे पहली बात तो इस स्टेज पे आके कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कितने दिन बचे हैं? आज 8 तारीख हो गई है, 3-4 दिन बचे हुए हैं। आपको बिल्कुल भी कुछ नया नहीं पढ़ना है, पहली बात। और दूसरी बात, सिर्फ आपको टेस्ट देने हैं। और टेस्ट किस टाइमिंग पे देने हैं? जिस टाइमिंग पे आपका एग्जाम है, मतलब कि 2:30 to 5:30 आपका एग्जाम है, तो आपको उसी टाइमिंग पे टेस्ट देने हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि हमारा छूट गया है तो अगर हम इसको पढ़ लें तो वो देखो वो आपको याद रहने वाला नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, उसको पढ़ने में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन कर लो। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करो, और आपने जो अपने फॉर्मूले वाली कॉपी बनाई होगी उसको रिवाइज करो, और उसको तो एक बार आपको पेपर देने जाने से पहले रिवाइज करके ही जाना है, बिल्कुल। और दूसरी बात, कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं बता दूं जैसे कि बायो इनऑर्गेनिक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। देखो बायो इनऑर्गेनिक में आपको जितने भी मेटलो एंजाइम्स हैं उन सबको एक बार रीड करके जाना है कि किसमें हीम ग्रुप है, किसमें नहीं है, किसका क्या वर्क है, हल्का सा एक बार आपको देख के जाना है, क्योंकि याद करने वाले टॉपिक होते हैं। आपने पता नहीं कब पढ़ा था, अब तो आप पक्का से भूल गए होंगे, तो उसको आपको एग्ज़ाम के वन नाइट मतलब पहले आपको उसको रिवाइज करके जाना ही है। ये बात आप लिख लो और याद रखना, इसको रिवीजन करके जाना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आयनाइजेशन एनर्जी के जो ट्रेंड्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो वो आपको एक बार देख के जाना है। उसके बाद फॉर्मूला, सारे जो भी जैसे सोल्यूशन चैप्टर है, काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स के सारे ग्राफ देख के जाने हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें आता है, हम निकाल लेंगे, लेकिन पेपर में जाके इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने मतलब हाँ पढ़ा तो था लेकिन यहाँ क्या आएगा, हम भूल जाते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले देख के जाने हैं, और थर्मो के सबसे इंपॉर्टेंट थर्मो के सारे फॉर्मूले एक बार देख के जाने हैं, आपको कौन सी कंडीशन पे कैसे कैसे क्या क्या लगाना है वो सब देख के जाना है। और ऊपर से उसके बाद अगर हम फिजिकल की बात करें, काइनेटिक्स बता दिया, थर्मो बता दिया है ना, इनऑर्गेनिक में आपको बायो इनऑर्गेनिक मस्ट है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो मतलब कर ही ली होगी, उसमें से तो जो आएगा वो आपको बन जाएगा, क्योंकि वो ऐसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, याद करने वाला उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद आपको अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो सारे रिएजेंट्स एक बार आपको देख के जाने हैं, मतलब ये लिखा होगा शॉर्ट नोट्स के लिए। हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, क्यों बोला था? क्योंकि ये 1-2-4 दिन पहले उनको रिवाइज करो, आप पूरी कॉपी लेके थोड़ी रिवाइज करोगे, अब आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने हैं। और वो चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती कि मतलब यूनिट एक बार सारे यूनिट कन्वर्जन देख लेना कि हाँ किसको किसको कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, और बस यही सारी चीज़ें अब आपको पढ़नी है और टेस्ट देने हैं। कुछ नया नहीं पढ़ना है, पूरी कॉपी रिवाइज नहीं करनी है, क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना। अगर एक चीज़ रिवाइज करने बैठ गए, एक चीज़ कुछ पढ़ने बैठ गए तो पिछला जो सारा पढ़ा है वो भूल जाओगे, तो अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। और हाँ, अब टेस्ट देना है, तो देखो जिनके पास जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, जो टेस्ट दे रहे हैं प्रॉपर, वो तो ठीक है। देखो उनके साथ साथ आपको एडिशनल 3 काम करने हैं। वो क्या काम करने हैं? मतलब काम एक है लेकिन 3 दिन में करना है। आपके लिए कैमोफिलिक एकेडमी एक मिनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फ्री है। जितने भी बच्चे हैं जो कि 2021 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए ये जो 3 टेस्ट हैं वो फ्री रखे गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हाँ लेकिन ध्यान रखना है कि टाइमिंग का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ उसी टाइमिंग पे टेस्ट देने हैं जिस टाइमिंग पे आपका जैम का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप मतलब कि आपका जो माइंड है वो उस टाइमिंग में वर्क करने के लिए यूज्ड टू हो जाएगा कि हाँ मुझे 2:30 से 5:30 के बीच में काम करना है, उसे ये पता रहेगा। तो आप पेपर में जाके लेजी फील नहीं करोगे, आपको आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें। आपको टेबल पे बैठ के आराम से, जो भी अपना मोबाइल में दे रहे हो, लैपटॉप में दे रहे हो, उस पर टेबल चेयर पर बैठ के मतलब टेबल चेयर लेके बैठना है और फिर उस पर ही टेस्ट देना। ये नहीं कि पड़े पड़े टेस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे,
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से कैमोफिलिक एकेडमी ऑनलाइन टेस्ट ऐप डाउनलोड करना है। देखो डिस्क्रिप्शन से करोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो वहाँ प्ले स्टोर पे दो ऐप है, एक मैन ऐप है और एक ये टेस्ट सीरीज वाला है, तो वो वाला आपको नहीं करना है, आपको टेस्ट सीरीज वाला करना है। तो लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ कर लेना और वहाँ से आपको रजिस्टर करना है और यहाँ वहाँ पे एक ये इस वाले नाम से फ्री मिनी टेस्ट सीरीज फॉर 2021 ये वाला एक बैच होगा, उस बैच पे आपको क्लिक करना है, वहाँ आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। तो देखो अभी आपको नहीं मिलेंगे, ये कितने तारीख का है, 9 तारीख का है, तो आपको ये 9 तारीख को 2:30 बजे ये टेस्ट लॉन्च हो जाएगा, आपको उसी टाइम अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद ये 11 को हो जाएगा और ये 13 को हो जाएगा, उसके बाद इसको आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, तो आपको उसको देखना है। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, टेस्ट तो सब दे रहे हैं, टेस्ट देना उतना ज़रूरी नहीं है, टेस्ट एनालाइज भी करना है कि देखो हमने टेस्ट दिया, हमारे इतने नंबर आए, हमने कितने टाइम में दिया, हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमसे क्वेश्चन अप्रोच हो पा रहे नहीं हो पा रहे, दूसरी ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। देखो कैसे है कि मान लो अगर आपने कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो काफ़ी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, आपने उसको सॉल्व भी कर दिया, लेकिन अगर आपने उसको सॉल्व करने में 5 मिनट लगा दिए तो कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो मेरे से कितनी देर में हो पा रहा है, कितनी देर में नहीं हो पा रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें इस टेस्ट में एनालाइज करोगे, पहला टेस्ट लोगे उसमें अपनी गलतियाँ ढूंढोगे, फिर वो गलतियाँ आप नोट कर लो, और जब दूसरा टेस्ट देने जाओ 11 तारीख को, तो उसमें वो गलतियाँ पढ़ के जाओ कि मैंने ये गलतियां करी थी, तो मुझे ये वाली गलतियां इसमें तो एटलीस्ट नहीं करनी है। फिर आप क्या करोगे, सेम चीज इसके साथ करोगे, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो, 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख का रिमाइंडर लगा लो, आपको 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक का टेस्ट देना है, और फिर उसके बाद उस टेस्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।